सो गाइस सो गाइस आज की व्लॉग का मैं तो बोलता रहूंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है भाई आप सबके? तो आज का व्लॉग तो भाई बहुत मजे का होने वाला है, क्यों भाई वकास जी? फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? एग्जैक्टली आज का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम इस तरह के फूड आउटलेट्स में जाएंगे जो दुबई के अंदर सबसे अच्छी चाय, सबसे अच्छा शॉर्मा और सबसे मजेदार पाकिस्तानी टेस्ट की समोसा, चाट और जलेबी प्रोवाइड करते हैं। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर्स में हमें वैसे ही सर्दियों में खाने पीने का बहुत दिल करता है, कभी शॉर्मे हो गए, कभी समोसा हो गया, चाय तो डेली रूटीन में इन है। सुबह दोपहर शाम चाय जब मर्जी पी लो, वो तो चाय की तलब कभी खत्म नहीं होती है। और साथ पकौड़े, जलेबियाँ, सूप वगैरह की चीजें तो आप लोगों की फूड क्रेविंग्स में शामिल हो जाती है। अब ये है ना कि ये चीजें पाकिस्तान में तो बहुत आराम से अवेलेबल है, आप कहीं भी रहते हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, अब इस्लामाबाद में रहते हैं जी नहीं चले जाएं, पिशावर मोड़ की तरफ चले जाएं, आपको ये चीजें बहुत आराम से मिल जाएंगी और बहुत अच्छे टेस्ट की मिल जाती हैं। पिंडी में आप कमर्शियल मार्केट चले जाएं, बाकी जगहों पे चले जाएं, ये चीजें आपको बहुत आराम से मिल जाती हैं। बिल्कुल मिलती यहाँ पे भी है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि आपको कुछ ऐसे रेस्टोरेंट देखने पड़ते हैं और चीजें ढूंढनी पड़ती है जो आपके टेस्ट को मैच करें और आपको लगे कि यार वाकई पाकिस्तान का टेस्ट आया, मजा आ गया, चस आ गया। बिल्कुल, मगर वो जो चस अगर आपको लेके आनी है तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने आज यही डिसाइड किया कि हम आपको भी थोड़ा सा हेल्प आउट करेंगे, आप लोग भी जाएं इन आउटलेट्स को विजिट करें जिधर हम जा रहे हैं, और इन आउटलेट्स में हम जो सर्च करेंगे, जो हमने इसको सोचा है, वो इस तरह करेंगे कि हम आपके लिए बेस्ट शॉर्मा, बेस्ट चाय और सबसे अच्छी समोसा चाट और क्या चौथी चीज क्या थी, जलेबी, हम वो आपके लिए जो है वो तलाश करेंगे और आपको वो आउटलेट दिखाएंगे। जरूर विजिट करें इन जगहों को, बहुत मजा आएगा। चलें आगे चलते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत ही मजे है। मेरा दिल नहीं किया जब मैंने फर्स्ट बाइट लिया कि मैं ये रुकूं और कुछ बोलूं आप लोगों के लिए, बट ये मैं हाफ वे पे पहुंच चुका हूं। ये आप देखें, हाउ डज इट लुक, बहुत ज्यादा मजेदार चिकन इसमें ग्रिल्ड है और सॉस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो जरूर विजिट करें शराज नाइट्स को और आके आप इनका शॉर्मा खाएं। जस्ट 6 dirhams, 6 dirham में आपको आई गेस दुबई में ऐसा शॉर्मा नहीं मिलने वाला। फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसके लिए हमें बहुत सारी क्रेविंग हो रही थी आज के, हम समोसा चाट खाएं और जलेबियां खाएं। तो फाइनली हम उधर पहुंच चुके हैं, अब कुछ देर में ऑर्डर करने वाले हैं। दो ये ऑर्डर मेरे लिए नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी मेरे मुंह में समोसे और जलेबियां आएं, क्योंकि आज मैंने जब मैं वीडियो कॉल पे था पाकिस्तान में तो मेरे एक अंकल है, मैंने उनको देखा कि वो समोसे खा रहे हैं और मुझे दिखा भी रहे थे ऐसे, तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैंने आज लाजमी जाना है और जाके जो है वो समोसा चाट खानी है। आप देख सकते हैं अंदर रश भी बहुत ज्यादा है, बहुत रश है, लोग मौका जाया नहीं करते, जब मौका मिलता है यहाँ पे आते हैं और समोसे, जलेबियां, मिठाइयां पाकिस्तानी स्टाइल की यहाँ पे खाते हैं। दे आर ट्रूली अमेजिंग, ऑथेंटिक टेस्ट होता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है। समोसा चाट हम तक पहुंच चुकी है, यू कैन सी माउथ वाटरिंग है, देख के पानी आ रहा है मुंह में। एग्जैक्टली यार बेब, मजा आ गया, चस आ गई है। बहुत दिनों से मैं तुम्हें कह रहा था प्लान करो,
आज फाइनली हम आ ही गए, बहुत मजे की है, बहुत जबरदस्त टेस्ट है इनका। समोसा चाट के बाद ये जलेबी मैं खाने लगा हूँ, और ये मेरे तमाम व्यूअर्स के साथ, ये मेरे उन अंकल के लिए भी है जो आज मुझे बार बार जलेबियां दिखा के जो है ना वो तरसा रहे थे, मैं बस फीलिंग है यार काश मेरे मुंह में आ जाएं। तो मैंने वेट नहीं किया अगले 2 या 3 दिन का, मैंने कहा मैं आज ही जाऊंगा और आज ही खाऊंगा। तो ये मैं खा रहा हूँ और ये मैं डेडिकेट करता हूँ अपने उन अंकल को, और साथ में पहले मैं खा लूँ फिर आपको बताऊंगा। तो ऑनेस्टली बहुत क्रिस्पी है, बल्कि जैसे कहते हैं ना वो हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं पाकिस्तान के, आई एम बिग फैन ऑफ हिम, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, वो टर्म यूज करते हैं शिपैकी टच आया है, राणा हमजा सैफ, ये एक्चुअल में जो है ना ये शिपैकी टच आया है इसका, बहुत मजे की है। तो अनंग आप क्या खा रही हैं? अनंग की फ्रूट चाट, सॉरी समोसा चाट ही नहीं खत्म हुई अभी तक, तो कैसे बच्चे को भी देखना पड़ता है। बहुत मजे की समोसा चाट है, मैं आपको कहूंगी कि आप लोग आए जो यहाँ पे रहते हैं और जो चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी इसी तरह के चटपारे खाने मिले, और मैं तो बहुत समोसा चाट की फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं मेरा जब दिल करता है मैं बकास को बोलती हूँ कि चले हमें पाकिस्तानी स्वीट्स जाना है और हम आते हैं यहाँ पे समोसा चाट खाते हैं। आप लोग भी आए और जरूर ट्राई करें इनकी समोसा चाट, दिखाएं तो अपनी समोसा चाट थोड़ी करीब लेके आए ताकि पता चले, खत्म हो गया खत्म होने वाली है। और फविया अपनी मस्तियों में लगी हुई है। तो दोस्तों बेलियो और संगियो हम लोग ये पहुंच चुके हैं, ये मेरे राइट साइड पे, आप इस थोड़ा सा फोकस करें गौर से देखें, अलहारा कैफेटेरिया, दुबई की सबसे अच्छी चाय, इनकी चाय बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ रश बहुत ज्यादा होता है, कितना छोटा सा स्पेस है इनके पास मगर रश बेताशा होता है, उसकी वजह यह है कि द बेस्ट टी इन टाउन करामा में है, ये भी करामा में ही है, एक धर्म की चाय है और बहुत सारी किस्म की चाय है, मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी, इनकी जो एक दो धर्म की चाय मिलती है उसका नाम है डिस्को चाय, बिरयानी चाय भी है इनके पास, कितनी किस्म की चाय देते हैं ये इंडिया, हमारे इंडिया के भाई हैं केरला वगैरह के, उन लोगों के पास काफी वैरायटीज होती हैं चाय में लेके, हम लोग मसाला चाय क्या है भाई कैसे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। चाय चाहिए कितना? दो डिस्को। डिस्को के अलावा कौन सी चाय आपके पास? सादा चाय। और कितने तरह की चाय? ज़ाफ़रान चाय, अदरक चाय, मसाला चाय। सो गाइस फाइनली हमारी चाय भी आ गई है, समोसे और शर्मा के बाद अगर चाय हो जाए हारा की तो क्या ही बात है, बहुत जबरदस्त चाय, बहुत बेहतरीन चाय, बहुत मजे की चाय है, और एक ही सिप लेने से आपका जो है ना ऐसे आपका दिमाग जो है ना चुटकियों में खुल जाता है। सो गाइस आज के व्लॉग को हमने बहुत एंजॉय किया, ये जो आप मुझे बहुत सारा हंसता हुआ देख रहे हैं इसकी वजह ये है कि जो फबिया है ये मुझे मजीद शूट नहीं करने दे रही है, तो हम इस व्लॉग को आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं, होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा पाकिस्तानी समोसा चाट और ईरानी शॉर्मा, और उसके बाद अगर हरा की चाय हो जाए तो बात ही बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग्स टिल देन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।